हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11 कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। ठीक है, जिसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है जीएसटी का। सबसे पहले हम अपनी एंट्री कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम अपनी बोर्ड की एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि जर्नल एंट्री करनी है श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ की। जो जगदीश मिश्रा थे लखनऊ यूपी से रिलेटेड, उनके यहां पर आपको एंट्री करनी है। ठीक है, एज्यूमिंग ये मानकर कि सीजीएसटी का रेट कितने परसेंट है? 6%, और एसजीएसटी का रेट कितने परसेंट है? 6%। तो दोनों के रेट आपके 6% है, सीजीएसटी के भी 6% और एसजीएसटी के भी 6%। इतनी बात क्लियर हो गई। पहले ये बात ध्यान रखिएगा, जिसके यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं वो कहाँ से रिलेटेड है? यूपी। इतनी बात क्लियर हो गई, वो यूपी से रिलेटेड है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है जी, तो हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। चलिए स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट मार्च 5 में परचेज गुड्स फॉर ₹2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। हमने गुड्स खरीदा ₹2,50,000 का वीरेंद्र यादव पटना बिहार। जिनके यहाँ जर्नल एंट्री बना रहे हैं वो कौन से स्टेट से हैं? नहीं जी, ऊपर जाकर देखो, हाँ यूपी लखनऊ से हैं। और जिनको हम जिनसे हमने गुड्स खरीदा वो पटना बिहार से हैं। तो इट मीन्स दैट डिफरेंट स्टेट हो गया, और जब डिफरेंट स्टेट हो गया तो हम यहाँ पर आईजीएसटी का यूज करेंगे। क्लियर है भाई? अच्छा एक चीज, यदि क्वेश्चन में आईजीएसटी नहीं है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के रेट को प्लस कर दीजिए तो आईजीएसटी आ जाएगा। यदि आप चेक करें सीजीएसटी 6 एसजीएसटी 6 और 6 12%। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे मार्च 5। तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे क्या देखेगा? परचेज अकाउंट टेबल। पहली बात, यहाँ पर नेम दिया गया है वीरेंद्र यादव, तो इट मीन्स दैट ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार ट्रांजेक्शन है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, तो यहाँ पर हमने एंट्री की परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। उसके बाद खरीदते हुए हम किसका यूज करेंगे? इनपुट। लेकिन यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं लगेगा? स्टेट डिफरेंट हो गए। जिनके यहाँ पर जर्नल एंट्री बना रहे हैं वो लखनऊ से हैं और ये पटना बिहार से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आईजीएसटी का यूज करेंगे। तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू कर दीजिए यहाँ पर वीरेंद्र यादव, जो यहाँ पर हमने कर दिया वीरेंद्र यादव। अच्छा एक बात पूछ सकता हूँ, यहाँ पे हमने वीरेंद्र यादव को क्यों लिखा? उधार है। ठीक है, एक बात कहूंगा, यदि हम कैश खरीदते तो उसमें तो यहाँ पर कैश आ जाता है, और जब उधार होता है तो उस बंदे का नाम लिख देते हैं जो गिवर है, गिवर को क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव। ओके, अब देखिएगा इसमें हम कैसे अमाउंट फ्री करेंगे। सबसे पहले हम अमाउंट फ्री करेंगे, मैंने कहा था जहां पर ये इनपुट या आउटपुट आता है उधर से फ्री करनी शुरू कर दीजिए। कितनी अमाउंट फिल करेंगे यहाँ पर? 2,50,000। तो यहाँ पर हमने 2,50,000 फिल कर दिया। ओके, उसके बाद इनपुट आईजीएसटी क्या रेट होगा? 6 और 6 12। तो 2,50,000 का जब हम 12% निकालेंगे 30,000 का जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया 30,000 रुपीज, और इनका टोटल कर दिया मैंने यहाँ पर 2,80,000 रुपीज। कोई दिक्कत? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट 12 डेट पर आ जाएंगे। 12 डेट में ये कहा गया सोल्ड गुड्स। पहले मुझे बताओ आपके पहले वाला ट्रांजेक्शन क्लियर हुआ क्या? तो ये हमारी एंट्री बनकर क्या तैयार हुई? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव। ओके नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट। देखिए
वो गुड्स तो था 60,000 का, कितना प्रॉफिट लिया आपने? 50. यहाँ पर देखो एक बार, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, प्रॉफिट इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 100, तो ये हमारा 30,000 आ गया. कितना गया? यानी जो 60,000 का गुड्स था वो हमने 30,000 का प्रॉफिट लेकर 90,000 में सोल्ड किया. कितने में सोल्ड किया? 90,000. लाइन क्लियर हो गई? जो 60,000 का गुड्स था हमने 30,000 का प्रॉफिट लेकर 90,000 रुपीज में सोल्ड किया. तो अब यहाँ पर गुड्स कितने में सोल्ड किया गया? 90,000 में. ठीक है जी, किसको गुड्स सोल्ड किया आपने? प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड, जिनके यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं ऊपर, वो कहां से हैं? लखनऊ यूपी से. और जिनको आपने गुड्स सोल्ड किया वो कहां से हैं? रांची. डिफरेंट स्टेट है, तो जब डिफरेंट स्टेट है तो किसका यूज करोगे? IGST का. इतनी बात क्लियर हो गई? तुम्हारे समझ में आ रही है बात? जब डिफरेंट स्टेट होंगे तो आप यहाँ पर IGST का यूज करेंगे. बनाओ एंट्री. हमने गुड्स सोल्ड किया किसको? प्रताप सिन्हा. पहले बताओ कैश है क्रेडिट है? क्रेडिट नेम दिया है और कुछ नहीं कहा गया है, तो इट मींस दैट ये सामान हमने उधार बेचा. तो जब हमने सामान उधार बेचा तो जो हमारे रिसीवर हैं उनको डेबिट कर देंगे. कौन है हमारे यहाँ रिसीवर? प्रताप सिन्हा. ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने डेबिट कर दिया, प्रताप सिन्हा डेबिट, प्रताप सिन्हा डेबिट. तो मैंने इन्हें डेबिट कर दिया, प्रताप सिन्हा डेबिट. ओके, मेरे पास से क्या गया? सर आपके पास से गुड्स. गुड्स गया. जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, लेकिन गुड्स नहीं क्रेडिट करेंगे बल्कि सेल्स क्रेडिट करेंगे. तो प्रताप सिन्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट. और उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट वर्ड्स का यूज करेंगे, और डिफरेंट स्टेट है तो आउटपुट IGST है. तो हमारी इस तरह से एंट्री बनकर तैयार हुई, प्रताप सिन्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST. इतनी बात क्लियर होगी? टू आउटपुट IGST. तो इस तरह से हमने अमाउंट फिल की. सेल्स में हमने जाकर यहाँ पर अपने क्रेडिट में फिल किया 90,000. सेल्स में हमने कितना फिल किया? 90,000 का जो IGST का रेट है, IGST का रेट 12% है. कैसे आया वो 12%? दोनों प्लस कर दिया, तो 90,000 का जब हम 12% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10,800. ठीक है, 10,800. और इसमें ऐड कर दीजिए 1,800. तो इस तरह से ये हमारी मार्च 12 की एंट्री क्लियर हुई. समझ गए भाई? नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा कौन सी डेट है यहाँ पर, मार्च 14 में हमसे ये कहा गया, हमने परचेस किया गुड 70,000 रुपीज का फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी जी. पहले ध्यान से सुने, जिनके यहाँ पर हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो कहाँ के हैं? लखनऊ यूपी. और मार्च 14 में जिनसे हम सामान खरीद रहे हैं वो भी कहाँ के हैं? यूपी के हैं. तो सेम स्टेट है, तो जब सेम स्टेट होगा तो CGST और SGST का यूज करेंगे. पहली बात तो ये क्लियर हुई आपके पास? ठीक. दूसरी बात, आप चेक के थ्रू सामान खरीद रहे हैं, तो गुड्स तो आपके पास आया और आपके पास से चेक गया, यानी पेमेंट कौन करेगा? बनाओ एंट्री इस बात को ध्यान में रखते हुए. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा मार्च 14. ठीक, जब मार्च 14 लिखा तो हमने यहाँ पर एंट्री की परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट. इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक, अब एक बार ध्यान से सुनिएगा, खरीदते हुए हम किसका वर्ड का यूज करेंगे? सर सेल्स का. खरीद रहे भाई, तो परचेस तो कर लिया. जीएसटी के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? इनपुट. इनपुट का यूज होगा. ठीक है, ये पूछा था मैंने. ठीक, चलिए परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST, क्योंकि सेम स्टेट है. इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. ओके, और बदले में हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो गिवन हो गया बैंक अकाउंट. इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? तो ये एंट्री बनकर तैयार हुई, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब देखिए अमाउंट कहां से फिल करेंगे? अमाउंट हम फिल करेंगे क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड से करेंगे ना, डेबिट साइड से, डेबिट साइड से है ना.
बिल्कुल डेबिट ही बोला था आपने, ओके कोई बात नहीं। तो परचेज में हमने 70,000 फील कर लिया भैया। 70,000 क्या सीजीएसटी का रेट है? 4,200 ये हमने टोटल कर लिया। तो 70,000 इसका 6% 4,200 और टोटल हो गया 78,400। पहले मुझे यहां तक बताएं कोई दिक्कत है क्या? सर ठीक। इसके बाद अब आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पर दिया गया है? 18 डेट में है ना, कौन सी डेट पर है? 18 पढ़िएगा। सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी, वाराणसी यूपी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। किसके नीचे अंडरलाइन कीजिए? वाराणसी यूपी। देखो जिनके यहां पर जर्नल एंट्री बना रहे हैं वो भी लखनऊ यूपी से हैं, और जिनको अब आप ये गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो भी वाराणसी यूपी से हैं। तो सेम स्टेट है, जब सेम स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का यूज करेंगे। तो आपने गुड्स सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट 2,25,000 थी और उस पर आपने प्रॉफिट लिया। पहले देखिए इस प्रॉफिट की परसेंटेज को कैलकुलेट करके समझा देता हूं आपको। देखो ये जो प्रॉफिट है ये इस तरह से दिया गया है क्या? ये परसेंट में है। पहली बात इसकी दर मल्टीप्लाई कीजिए, 33 की किसमें? 3 में 99 में क्या प्लस कर दे? 1। तो 100 अपॉन 3 और मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, देखना बोल मांग रहे आ रहे थे। तो यहां से 1/3 आ जाएगा, तो यानी इतना प्रॉफिट आ गया। समझ गए? दोबारा से इससे कैलकुलेशन को समझ लीजिए। प्रॉफिट दिया गया 33/3%, तो इसकी 3 की आप मल्टीप्लाई कीजिए 99 में क्या ऐड कर दीजिए? 1। तो 100/3 आ गया और नीचे डिवाइड में 100 कर दीजिए, क्योंकि जहां परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 में होता है। तो अब मल्टीप्लाई में 100, तो 1/3 आ गया 1/3। ये क्या है ना? प्रॉफिट है। अब देखिएगा कॉस्ट कितनी है हमारी? 2,25,000। हमने प्रॉफिट कितना लिया? 1/3। तो 75,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। क्या गया? प्रॉफिट। समझ में आया किस तरह किया? तो कितनी कॉस्ट है? 2,25,000 हो गया। उसका प्रॉफिट आया था हमारा 1/3, तो मैंने किया 2,25,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो इस तरह से मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया 75,000 रुपीज। अब मेरी बात सुनो, हमारी शॉप पर वो गुड्स 2,25,000 का था, हमने प्रॉफिट लिया 75,000 का, तो हमने कितने में सेल किया होगा? 225 में 75 ऐड कर दीजिए, हमने वो कितने में सोल्ड किया होगा? 3,00,000 रुपीज में सोल्ड किया होगा। तो हम अपना यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेल्स इक्वल टू 2,25,000 कॉस्ट है, उसमें मैंने प्लस कर दिया प्रॉफिट 75,000 रुपीज का, तो इस तरह से मेरी सेल्स आई 3,00,000 रुपीज की। कितनी आई सेल्स? 3,00,000 रुपीज की। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। आ गई। अब लेकर चलिए अपना ट्रांजेक्शन। अब हमारा ट्रांजेक्शन बनता है, पढ़िएगा, पढ़ो। हमने गुड सोल्ड किया वाराणसी में 3,00,000 रुपीज का। अब ये सब भूल जाइए कि कॉस्ट कितनी है 225 और प्रॉफिट कितना है। अभी ये याद रखिए हमने कितने का सामान सोल्ड किया। हाँ अरम, कितने का सामान सोल्ड किया? 3,00,000 का। तो हमने गुड सोल्ड किया वाराणसी में 3,00,000 रुपीज का और हमें 10% की क्या मिली? ट्रेड डिस्काउंट मिली, ठीक है, अगेंस्ट चेक। और हमने चेक, जो हमें चेक मिला क्या मिला? जब हम सामान बेचा तो हमें क्या मिला? चेक मिला। वो हमने कहां पर जमा कर दिया? चेक बैंक में जमा कर दिया। अब देखिएगा, पहले ये कैलकुलेशन समझ में आ गई आपके? यस सर। ठीक, अब मैं सीधा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूँ। मैंने कल भी बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, बल्कि परसेंटेज निकालकर माइनस कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर 3,00,000 का क्या किया? 3,00,000 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये हो गया हमारा 30,000। ठीक है जी, और 3,00,000 में से क्या माइनस कर दीजिए? 30,000 ट्रेड डिस्काउंट के। तो एक्चुअल में जो हमारी सेल हुई, एक्चुअल सेल हुई 2,70,000 रुपीज की।
बस ये थी कैलकुलेशन जी। अब सुनो, हमने सेल की 270,000 रुपीज की और हमें चेक मिल गया। क्या मिला? चेक मिला। इतनी बात समझ में आ गई? किसके एंड ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आई? सबसे पहले प्रॉफिट निकाल ले, कितना है प्रॉफिट? 225 का था, 75 प्रॉफिट लिया, कितने में सेल कर दिया? 3 लाख में। फिर हमें क्या दे रखी है? ट्रेड डिस्काउंट। तो 3 लाख का कितने परसेंट कैलकुलेट कर लिया? 10%, तो 30 आ गया। और 3 लाख में से 30 माइनस कर दिए, 2,70,000 इतने की हमने एक्चुअल सेल की। ओके, और क्या मिला हमें सेल करके? चेक। और वो चेक हमने इमीडिएटली कहां पर डिपॉजिट कर दिया? तो इट मींस दैट बैंक रिसीवर है, और रिसीवर को हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो हम यहां पर बैंक को डेबिट कर देंगे। किसको डेबिट कर देंगे? बैंक को। तो हमने यहां पर एंट्री बनाई, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनाई? बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, उसके बाद क्या गया हमारे पास से? गुड्स जो जाते हैं उसे क्रेडिट, लेकिन गुड्स ना लिखकर सेल्स। तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और टू सेल्स के साथ क्या वर्सेस? आउटपुट जीएसटी के लिए आउटपुट वर्सेस होगा। टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक, यहां तक अब आपकी क्लियर है। तो अब हम क्या फील करेंगे? सीधा अमाउंट फील करेंगे। क्या फील करेंगे जी? अमाउंट। सीजीएसटी का रेट बताइए कितने परसेंट है? सीजीएसटी का रेट 6% है जी, 6% है। चलिए, अमाउंट कहां से फील करूं? क्रेडिट से। बिल्कुल बढ़िया। सेल्स में 2,70,000, सीजीएसटी का रेट 6%। तो जब 2,70,000 का 6% निकालोगे तो ये आ जाएगा 16,200, और ये भी आ जाएगा 16,200। कितने बात क्लियर हो गई? और इनका टोटल कर दीजिए, इनका टोटल आ जाएगा जी हमारा जी 3,02,400 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? बिल्कुल क्लियर है। ठीक yes, है जी। तो इस तरह से हमारी एंट्री बनकर तैयार हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेलिंग एक्चुअल सेल्स है हमारी 2,70,000 की। उस 2,70,000 का 6% हमने सीजीएसटी निकाला, आया 16,200। उसी तरह से एसजीएसटी भी 16,200 आ गया, और आने के बाद इनका टोटल कर दीजिए, इनका टोटल आया 3,02,400, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर दिया बैंक के सामने। इतनी बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजेक्शन दिया गया है, ये कहा गया कि पेड रेंट हमने पे किया। क्या पे किया? रेंट पेड किया 25,000 का बाय चेक। किसके थ्रू पे किया? चेक के थ्रू। पहले मेरी बात सुनिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई थी, चाहे परचेस हो चाहे एक्सपेंसेस हो, दोनों के लिए जीएसटी के लिए इनपुट वर्ड यूज होगा। क्या यूज होगा? इनपुट। और हम उस इनपुट को डेबिट करेंगे। यहाँ हमने क्या किया? यहाँ हमने रेंट पे किया, जो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस। तो हम एंट्री बनाएंगे रेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनाएंगे? रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और पेमेंट के थ्रू चेक के थ्रू पेमेंट किया टू बैंक। ये हमारी एंट्री बनेगी। देखिए यहाँ पर हमने मार्च 20, तो हमने एंट्री बनाई रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने पेमेंट किया चेक के थ्रू, तो पैसा कौन देगा? बैंक। तो गिवर बैंक हो गया, बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। बस अब देखिएगा अमाउंट कितनी है रेंट की। रेंट की अमाउंट है 25,000 रुपीज। तो रेंट में तो मैंने यहाँ पर भर दिया 25,000 रुपीज। सीजीएसटी का रेट 1,500 रुपए, 1,500। फिर यहाँ पर 1,500, और इनका टोटल आ गया 28,000 रुपीज। इतना टोटल आया 28,000। तो इस तरह से हमारी एंट्री बंद हो गई। ठीक है, जो लास्ट की जीएसटी पेड करने की एंट्री है वो मैं आपको कल क्लियर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने रेंट तक की अपनी एंट्री बनाई,
इसके बाद हमें लास्ट एंट्री के लिए कहा गया है कि जीएसटी पेड करने की हमें एंट्री बनानी है, ठीक है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जब आप इस वीडियो को चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 की जर्नल एंट्री से भी आप अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।